इस आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आपके सामने ब्लैक सियाज, हम आज इसके बारे में जानेंगे। आपको इसमें LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं, टिपिकल सुजुकी की ग्रिल देखने को मिल जाती है, देख लीजिए। और पूरा साइड लुक आपको दिखाता हूँ, इसमें इस तरीके का साइड लुक आपको देखने को मिल जाता है मारुति सुजुकी सियाज का। और बैक लुक आप देख सकते हो, स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है इसके अंदर। आप देख सकते हो स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आती है। आप बैक से देख लीजिए पूरा लुक, साइड लुक आपको दिखा। इसमें दोस्तों एलॉय व्हील देखने को नहीं मिलते हैं, नॉर्मल व्हील्स आते हैं। और आपको इसका इंटीरियर पूरा दिखाऊंगा, चलिए हम इसके इंटीरियर में एंटर करते हैं। और इसकी आप की देख लीजिए, नॉर्मल की मिलती है जो हर गाड़ी के साथ मिलती है। दोस्तों ये रक्षा मंत्रालय इंडियन आर्मी को अलॉट होती है ऑफिसर को। अंदर की बात करें तो अंदर भी आपको नॉर्मली सारा कुछ देखने को मिलता है, देख लीजिए अंदर का पूरा। आपको स्पीडोमीटर वगैरह आपको दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले की को ऑन करते ही आपको सुजुकी का लोगो देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको 16.5 KMPL का माइलेज शो कर रही है मारुति सुजुकी सियाज। इसमें स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यूज की गई है सुजुकी की तरफ से, वो बहुत ही शानदार टेक्नोलॉजी है। साइड की बात करें तो आपको इसमें नॉर्मल इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको देखने को मिलता है, जिसमें FM, ब्लूटूथ रेडियो वगैरह सब कुछ देखने को मिलता है। मैनुअल AC आपको देखने को मिल जाती है, और 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें रिवर्स गियर के साथ आता है। और दोस्तों हम बात करें तो इसमें आपको पूरा प्लास्टिक का पूरा डैशबोर्ड देखने को मिलता है, कोई लेदर वगैरह देखने को नहीं मिलता। दोस्तों ये बहुत ही शानदार लगता है, वुडन फिनिश के साथ आता है, एक गाड़ी को थोड़ा प्रीमियम बना देता है देखने में। और दोस्तों हम बात करें तो आपको स्पीडोमीटर देखने को मिलता है, इधर RPM मीटर और नीचे आपको टेम्परेचर गेज, और इस साइड आपको फ्यूल गेज देखने को मिलता है। आप MID को कंट्रोल कर सकते हो, इस जगह से आप MID को कंट्रोल कर सकते हो, इस तरीके से गाड़ी ने कितना क्या माइलेज दिया वो सारा यहाँ से कंट्रोल। ये पावर एंड टॉर्क का फिगर भी आपको दिखा देती है। और दोस्तों ये स्मार्ट हाइब्रिड वाला है, आप देख सकते हो इंजन, मोटर और बैटरी तीनों से पावर लेती है गाड़ी। चलिए हम इसको वापस से एवरेज पे सेट कर देते हैं। स्टेयरिंग कंट्रोल्स की बात करें तो इस साइड आपको कोई इसमें क्रूज कंट्रोल देखने को मिलता है, नॉर्मल स्टेयरिंग कंट्रोल आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें मोड, वॉल्यूम अप डाउन और सॉन्ग को आगे पीछे करने का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। सीट्स की बात करें तो बहुत ही VIP लुक के साथ आपको सीट्स देखने को मिलती हैं इस तरीके से। चलिए दोस्तों हम इसकी बैक की बात कर लेते हैं, बैक में कितना स्पेस आपको देखने को मिल जाता है। सीट को आप आगे पीछे ही एडजस्ट कर सकते हो ओनली ऑन। बैक की बात करें तो बैक में आपको बहुत ही शानदार स्पेस देखने को मिल जाता है गाड़ी में। बैक में देखिए दोस्तों पूरा स्पेस ही स्पेस है, इस तरीके से इतना स्पेस आपको देखने को मिलता है सीट्स पूरी पीछे करने के बाद में भी। उस साइड भी बहुत स्पेस देखने को मिल जाता है। पीछे आपको रियर AC वेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट आपको देखने को मिलता है। बात करें तो इसमें रियर आर्मरेस्ट भी आपको देखने को मिलता है, रियर आर्मरेस्ट आप देख सकते हो। दोस्तों पीछे से पूरी गाड़ी की लुक देखिए, इस तरीके की आपको देखने को मिलती है, जो कि इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स को अलॉट होती है गाड़ी, ओनली ऑन हर किसी को नहीं मिलती ब्लैक कलर की सियाज। बैक की बात करें तो दोस्तों आपको बैक का बूट स्पेस आपको दिखा देता हूँ। बैक के बूट स्पेस की बात करें तो दोस्तों आपको मैं दिखा देता हूँ बैक में कितना बूट स्पेस आपको देखने को मिलता है। बैक में दोस्तों इसमें बहुत ही ज़्यादा बूट स्पेस आपको देखने को मिल जाता है मारुति सुजुकी सियाज में, देख लीजिए इतना स्पेस, पूरा स्पेस ही स्पेस देखने को मिलता है। दोस्तों इसमें कुछ ज़्यादा फीचर्स में चेंजेस नहीं किया गया, जो नॉर्मल थार आती है वैसी है, लेकिन ओनली ऑन इंडियन आर्मी को यह अलॉट की जाती है, इंडियन आर्मी के ऑफिसर को रक्षा मंत्रालय की तरफ से ब्लैक कलर की सियाज।
तो दोस्तों इंजन वगैरह सारा कुछ सेम आता है, जो कि हर एक थार में मिलता है, हर एक सियाज में जो आपको इंजन मिलेगा वही सेम इंजन इसमें आपको देखने को मिलता है। आप देख सकते हो रक्षा मंत्रालय का लोगो वगैरह इस पर लगा हुआ है पूरा, और पूरी गाड़ी बिल्कुल देखने में शानदार लग रही है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।